नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देशभर में विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरे पर देशभर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। हम आपको दिखाएंगे देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहाँ पर रावण दहन किया गया और लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर लाल किला मैदान में लवकुश रामलीला की तरफ से शुक्रवार को शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया था। वो लोग वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर भव्य रामलीला का मंचन किया गया। और पहले आपको जिस तरीके से रावण वध का मंचन किया गया था वो दिखाते हैं और फिर दिखाएंगे किस तरीके से राष्ट्रपति ने यहाँ पर संबोधित किया, क्या कार्यक्रम हुआ। शिक्षा ग्रहण करने का यह तरीका ठीक नहीं है। उनको जाकर सबसे पहले प्रणाम करो, आदर से प्रणाम करो, फिर उनसे ज्ञान की गुहार करो। वो प्रकांड पंडित है, ऐसे ही उनसे पेश आओ। जाओ। जैसे आप क्या क्या भैया। हे महाज्ञानी, त्रिलोक विजेता, लंकाधिपति, मैं आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया हूं। कृपा करके इस दास को शिक्षा प्रदान कीजिए। लक्ष्मण, शुभस्य शीघ्रम। शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। मैं जीवन में कुछ कार्य निर्माण करना चाहता था, परंतु आज और कल पर टालते टालते ये समय आ गया और वे काम पूरे न हो सके। मैं सोने में, मैं सोने के, मैं अनाज उगाना चाहता था, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बढ़ाना चाहता था, मैं समुद्र के पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करना चाहता था, किंतु देखो मैंने आलस्य किया और आज मेरा अंत समय आ गया। हे लक्ष्मण, मैंने बहुत सारे कर्म किए, मैंने शिव जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, किंतु अहंकार, क्रोध, लोभ, माया, दंभ और महत्वाकांक्षा ने मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी। जिन देवताओं की कृपा स्वरूप मैंने कुछ हासिल किया, मैंने उन्हें कुछ ना समझा। मैं ये समझने लगा कि ये मुझे महादेव ने नहीं, ये मैंने स्वयं कमाया है, ये मेरी भूल थी। मैं जिसे अपना गौरव, गर्व और बल अधिकार समझ रहा था, वो वास्तव में मेरा अहंकार ही था, घमंड था। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आज तुम अपने भ्राता, कि मेरा स्वयं का भ्राता आपके युद्ध में आपका सहयोगी बना है। इसी कारण
आज मैं मृत्युशैया पर पड़ा हूं। विभीषण, मेरे भाई, एक तुम ही तो हमारी लंका में थे जो कभी धन के विरुद्ध नहीं गए। तुमने धर्म, सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होकर अपने भाई का विरोध किया, किंतु सत्य के लिए किया। हे श्री राम, हे प्रभु, आपको पहचानने में मैंने देर की। मैं अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हे नारायण, हे राम, मेरे राम, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, भारत माता की। मुझे क्षमा करना भैया, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना भैया, क्षमा करना। रामलीला के मंचन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम लक्ष्मण के दर्शन करने के बाद प्रतीकात्मक तीर छोड़कर रावण का दहन किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर चलावा और उसके बाद रावण का पुतला धू धू कर जलने लगा। लाल किले मैदान के सामने स्थित रामलीला मैदान में भी रावण दहन की परंपरा है जो 1924 से चली आ रही है, लेकिन लव कुश रामलीला की शुरुआत 1988 में हुई जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी शामिल हुए थे। इसमें जो भी कलाकार थे आपने अभी मंच पर देखा, जो रावण की भूमिका में थे वो पुनीत इसर, जिनको आपने महाभारत में दुर्योधन का रोल करते हुए देखा था, विभीषण का रोल करने वाले ये फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, राम की भी जो रोल निभाने वाले थे वो टीवी इंडस्ट्री के नेता हैं। तो ऐसे जो बड़े दिग्गज अभिनेता हैं उन लोगों ने लवकुश रामलीला में मंचन किया। जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। भजने प्राणी कही ना, भजने प्राणी कही ना, श्री राम जय राम।
वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राम के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने का संदेश दिया और संबोधित करते हुए लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। इसमें विभिन्न आस्थाओं में विश्वास रखने वाले समुदायों के त्योहारों का समय प्रारंभ हो चुका है। त्योहारों को मनाते समय दूसरों को असुविधा ना हो तथा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर स्वच्छता बनाए रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। ऐसे में अनुशासित जीवन शैली हम सबको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराती है। राम कथा जैसी महागाथाएं कुछ ऐसी ही शिक्षा देती है जो जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक और उपयोगी है। हमें प्रभु राम के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं को अपने आचरण में ढालकर आगे बढ़ना है। ऐसा करके भावी पीढ़ी के लिए हम एक स्वस्थ समाज और सुंदर पर्यावरण से युक्त बेहतर भारत का निर्माण कर सकेंगे। आज हमारे देश के समक्ष कई चुनौतियां हैं जिनका सामना और समस्याओं का निराकरण हमें धैर्य और साहस के साथ करने की ज़रूरत है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में अनेकों विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए लंकापति रावण के विरुद्ध हुए संघर्ष में बुद्धि युक्ति और वीरता के साथ साथ जन समूह के सहयोग एवं प्रकृति के सामंजस्य से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो राजधानी दिल्ली में किस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम हुआ आपने देखा। अब आपको हम ले चलते हैं एमपी की राजधानी भोपाल में, जहां पर बैरागढ़ में दशहरा धूमधाम से मनाया गया। यहां पर भी बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया और अब आप देखिए किस तरीके से यहां पर भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे, रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए और दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाया। पहले रामलीला का मंचन किया गया, रामलीला में आज आखिरी पाठ किया गया रावण वध का और रावण वध के मंचन के बाद रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देखिए भोपाल में रावण दहन किया गया। भोपाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया और रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे थे और पूरे परंपरा के मुताबिक यहाँ पर दशहरा मनाया गया, रामलीला का आखिरी पाठ का मंचन किया गया, इसके बाद फिर रावण दहन किया गया। बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया, ये तस्वीरें हम भोपाल की आपको दिखा रहे हैं। असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला दहन किया जाता है और भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब उज्जैन आपके लिए चलते हैं, जहां पर दशहरा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और दशहरा मैदान में रावण का 101 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था जिसका दहन किया गया।
रावण दहन के बाद सभी ने एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दी। और आप देखिए, ये 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला यहाँ पर बनाया गया था और फिर उसका दहन किया गया। उज्जैन की तस्वीरें, महाकाल नगरी उज्जैन में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया हर्षोल्लास के साथ, दशहरा का त्यौहार और फिर रावण दहन का कार्यक्रम, जिसको देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। जबलपुर से खबर, जहां पर पंजाबी हिंदू एसोसिएशन ने ग्वारी घाट में आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में दशहरा मेले का आयोजन किया, जहां पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। रावण और कुंभकर्ण के 55 फीट के पुतले बनाए गए थे। पुतलों का दहन होते ही लोग झूम उठे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और तस्वीरें आप देखिए, जबलपुर से है, अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहाँ किस तरीके से दशहरे का त्यौहार मनाया गया। पूरे हर्षोल्लास के साथ दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। ये तस्वीरें जबलपुर से है, यहाँ पर अंधकार का अंत किया गया, एक प्रतीक के तौर पर रावण के पुतले को जलाया गया। ये परंपरा हमारी चली आती है दशहरा के मौके पर। अब आपको होशंगाबाद ले चलते, जहां पर रामलीला मंचन के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। ये होशंगाबाद की तस्वीर आप देखिए, पहले यहां पर रामलीला का मंचन किया गया, जहां पर जो रामलीला का आखिरी पाठ होता है रावण वध, पहले रावण वध का कार्यक्रम हुआ और फिर इसके बाद पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले जलाए गए। अलग अलग शहरों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे देश में धूमधाम से दशहरे का त्यौहार विजयदशमी मनाई गई। इसकी अलग अलग अपनी कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं हैं, परंपराएं हैं, लेकिन आप देखिए, बुराई के प्रतीक के तौर पर रावण को जलाया जाता है। और ये होशंगाबाद की तस्वीर, और ये तस्वीर आप देखिए, ये इंदौर की है, जहाँ पर धूम धड़ाके के साथ लोगों ने रावण दहन का आनंद लिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान देखिए लोगों की भीड़ थी, हर कोई अपने मोबाइल में इस क्षण को कैद कर लेना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद पर लोग पहुँचे हैं और रावण दहन का कार्यक्रम लोगों ने देखा और उसको अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में भी कैद कर लिया। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया, दशहरे का त्यौहार मनाया गया। ये तस्वीरें इंदौर की है, हमने राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखाई। अब ये तस्वीर आप देखिए इंदौर की है, किस तरीके से यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे, रावण दहन के कार्यक्रम का आनंद लिया और इसको अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया। 20 सेकंड ज्यादा पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। आप सोचिए यहाँ पर सैकड़ों, हजारों की तादाद में भीड़ आई है और दशहरे का आनंद उठा रही है। चलिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी ले चलते हैं, वहां किस तरीके से दशहरा का त्यौहार मनाया गया वो भी आपको दिखाते हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धूमधाम से त्यौहार मनाया गया। यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले फूके गए। ये तस्वीर देहरादून से है,
यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से रावण का पुतला जलाया गया। और ये देखिए करीब 30 से 40 फीट ऊंचा रावण का पुतला यहाँ पर बनाया गया और उसका दहन किया गया। देहरादून की ये तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ रावण दहन का कार्यक्रम, पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ ऐश्वर्य का त्यौहार मनाया गया और बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखिए, देहरादून की तस्वीर यहाँ पर रावण दहन किया गया। चलिए हिमाचल ही चलते हैं, जहां पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया और मंदिर के मैदान में 45 फीट रावण समेत मेघनाथ कुंभकर्ण के 40-40 फीट पुतलों को बनाया गया था, उनका पुतला दहन किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिमोट का बटन दबाकर करीब शाम 5:57 पर रावण का दहन किया। ये तस्वीर शिमला से आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिमोट से आधुनिक तरीके से इस बार रावण का दहन किया, रिमोट से बटन दबाया, इसके बाद रावण का दहन किया गया। तो पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को जलाया गया, लेकिन एमपी के मंदसौर में लोग रावण की पूजा करते हैं। रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है, हाथों में आरती की थाली लिए ढोल नगाड़े बजाते हैं। ये लोग दशहरा उत्सव पर भगवान राम की झांकी नहीं बल्कि बुराई के प्रतीक दशानन रावण की पूजा करते हैं। और ये एमपी के मंदसौर जिले का पूरा मामला है, जहां पर लंकापति रावण की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है और यहाँ रावण की पूजा अर्चना की जाती है। दशहरे के मौके पर सुबह लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रावण की आरती करते हैं और मंदसौर नामदेव समाज के लोग पिछले 300 से ज्यादा साल से दशानन रावण की पूजा करते आए हैं। कई वर्षों से, हजारों वर्षों से ये परंपरा चलती आ रही है और इसमें नामदेव समाज जो है यहाँ पर सवेरे इसकी पूजा अर्चना करता है। रावण की ढोल ढमाके से चार लक्ष्मीनाथ मंदिर से पूजा करने के लिए समाज के सभी लोग आते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है और आरती करने के साथ ही शाम को युद्ध करने के लिए निमंत्रण भी दिया जाता है कि शाम को राम रथ के साथ में सभी जने आएंगे, राम सेना आएगी और यहाँ पर युद्ध की परंपरा की जाएगी। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में रावण का दहन होता है, लेकिन मंदसौर शहर केवल ऐसा शहर है जहाँ पर रावण का वध किया जाता है। यहाँ पर दरअसल नामदेव समाज रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है और उनको अपना दामाद रावण को, इस वजह से उनका पुतला दहन नहीं किया जाता है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, एक बार फिर से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।